हेलो सर, नमस्ते जी। हाँ, मैं नेक्स्ट कैंडिडेट हूँ। हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ, हमारे छोटे से टाउन में मैंने न्यूज़ रीडिंग की है। मैं न्यूज़ एंकर के लिए बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल जो है ना, मैं वैसी हूँ जी। सर, न्यूज़ रीडिंग करके बताऊँ? ठीक है सर। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। देश में हो रही क्या हुआ सर, आपने हाथ क्यों दिखा दिया? अच्छा, आपको इस तरीके से नहीं चाहिए? ओके, तो अच्छा, मतलब आजकल मीडिया पे जिस तरीके से न्यूज़ एंकर्स बात करते वैसा चाहिए? ओके सर, क्रिएटिविटी सर। सर, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ जिसका जवाब नहीं। कंटेंट, वही तो सर, उनसे झगड़ते समय मुझे कंटेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक निकल के आते हैं। तो सर, क्रिएटिविटी एंड कंटेंट, तो आई थिंक ये दोनों तो टिक हो गए जी। सर, मैं इतना सॉफ्टली बात कर रही हूँ तो मैं चिल्लाती हूँ कि नहीं? सर, मेरे दो बच्चे हैं सर, और मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते सर। ये तो मैं इंटरव्यू में इतना सॉफ्टली बोल रही हूँ, लेकिन मेरे घर पे आएंगे सर तो मेरी आवाज़ से पूरी छत उड़ती है सर। जी सर। अच्छा, दो गुटों के बीच झगड़ा। हाँ, अरे सर, मैं तो बड़ी वेल नोन हूँ इस चीज़ के लिए। मेरी जो फ्रेंड्स है ना सर, तो जब भी फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं ना सर, गैदरिंग होती है, वो जो होती है ना, डब्बा पार्टी करते हैं, वो पॉटलक करते हैं, उस टाइम पे तो दो तीन सहेलियों में तो मैं झगड़े लगा ही देती हूँ। और अगर उनका पैचअप भी होना हो ना, तो मैं होने नहीं देती, मैं कुछ ना कुछ खुरापात करके आ जाती हूँ जी सर। घंटों तक बोलना सर, मैंने कहा तो सही आपसे सर, मेरी शादी हो चुकी, मैं 3-4 घंटे तो ऐसे ही अपने हस्बैंड से झगड़ सकती हूँ। तो 3-4 घंटे का लाइव टेलीकास्ट जब है ना, वो मैं आराम से कर सकती हूँ जी सर। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, सर एक मिनट, ना फोन आ रहा है, मैं एक मिनट फोन ले लूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, तुम्हें समझ भी नहीं आता क्या? अरे मैं यहाँ पे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर का इंटरव्यू देने आई हूँ। बच्चे कहाँ मर गए बच्चे, उनको बोलो खाना बनाने के लिए। और मैं घर पे आऊँ, अगर मुझे घर साफ नहीं दिखा ना, तो तुम देख लेना। अच्छा, आ गई शीला, ठीक है, उससे तो मैं बात करूंगी, मैं निपटाऊंगी, ठीक है। अरे जाओ तुम, अरे तुम रुको, मैं घर पे आ रही हूँ। हाँ, जा रही हूँ मैं सर। सॉरी, वो एक्चुअली उनका फोन आ गया था जी, हस्बैंड उन्होंने कॉल किया तो ठीक है सर। हाँ तो सर, आप क्या कह रहे थे सर? हाँ, ब्रॉडकास्टर, बिल्कुल सर। तो सर मैं, सचमुच सर, मतलब मेरा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, किसी भी चीज से लड़ना झगड़ना, बच्चों पे चिल्लाना, दो लोगों के बीच झगड़ा लगाना सर, ये सारी क्वालिटीज चाहिए थी सर आपको सर? इमोशनल कर दिया बाय गॉड सर आपने। एक मेरे हस्बैंड है कि इन सारी क्वालिटीज पे मुझे इतना सुनाते रहते हो सर, और आपकी तरफ से हाँ है सर, मैं न्यूज एंकर बन सकती हूँ इन सब क्वालिटीज से। सर, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इन क्वालिटीज की वजह से मैं न्यूज एंकर बनूंगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।